एक प्रणाम करने से भी एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होता है, पर हृदय से नो देखा देखी नहीं लौटना है कि सारे लौटे हैं मैं भी लेट जाऊं प्रणाम करना है ना, बूंदा सा लगूंगा एकला खड़ा रहा था, ये को प्रणाम नहीं है, उसका अकाउंट नहीं होगा। कहते हैं जय गोपाल दंडवत करो, चाहे पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो जल पाक से है वो असला असल सलाम। जब प्रणाम करो दिल पाक से पवित्र हृदय से सच्चे दिल से अपना परम कर्तव्य जानकर, इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, और प्रणाम करो, इससे अभिमान खत्म होगा। अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है भगवान निकट नहीं आ सकता, और हमने चाहिए भगवान से किसी प्रकार मिल ले, हमने तो परमात्मा के लिए कमर कसी है, फिर उसमें अग्रम मग्रम किसा। जो बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया और वहां जाकर वो सारी रिहर्सल करवाते हैं, उससे सारे ऐसे ऐसे कोनियों के बल भी चलवाते हैं, रस्सों पर भी कुदवाते हैं, ऐसे पकड़ कर भी ऊपर, यानी सारी प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मार ना खाओ बालक, कभी आमना सामना होगा जो शत्रु थे, जो हर दाव लगा ले सब तरह ट्रेंड हो। तो दास भी आपको यहाँ ट्रेंड करना चाहता है कि जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, यानी यहाँ से हम जब चलेंगे तो आप मार ना खा जाओ। अब जब फौज में भर्ती हो गया तो फिर नखरे किसे भाई, सारी क्रिया करनी पड़ेगी, वहाँ अपनी ना चल रहे। तो ऐसे यहाँ भी आपने प्रवेश पाए लिया तो हमने हर तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा जो परमात्मा के नियम है, तभी हम सही सिपाही होंगे, तभी हम सही भक्त होंगे।